हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यश गुप्ता स्टडी 24। जो कि आज हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो कि यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है जो कहता है ए कैन डू ए वर्क इन 15 डेज, एक काम को 15 दिन में करता है, वही काम बी 20 दिन में करता है। अगर उन दोनों को काम करवा दिया तो 4 दिन में वो दोनों कितना काम करेंगे, ठीक है, तो और उसमें से कितना वर्क बचेगा वो अपन को पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ए का आंसर है 1/4, बी का आंसर है 1/10, सी का ऑप्शन सी ऑप्शन है 7/15 और डी ऑप्शन है 8/15। तो हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी आया है। अब ये कैसे आया है अपन देखते हैं, ठीक है। जैसे एस वन डे वर्क इज, ए का एक दिन का काम कितना है, तो उसको 15 डेज वर्क को एक मान लिया और उसको 15 से डिवाइड कर दिया। इसी तरह बी का एक दिन का काम कितना है, ठीक है, तो बी का एक दिन का काम भी उसी तरह निकाला 1/20, ठीक है। मतलब हमारा काम को हमने अस्यूम कर लिया कि लेट द वर्क इज 1, ठीक है। अब ए प्लस बी वर्क इन 1 डेज, ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है, ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है। ए का काम अपन को पता है, बी का एक दिन का काम अपन को पता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा अपन दोनों ने, ए के एक दिन के काम को प्लस कर लिया और बी के एक दिन के काम को प्लस कर लिया और दोनों का अपन ने निकाल लिया सम, तो अपन को आ गया 7/60 फ्रैक्शन में, ठीक है। उसके बाद अपन ने ए प्लस बी 4 डे वर्क, ए प्लस बी के 4 दिन का वर्क निकाला। अब अपन को एक दिन का वर्क मिल गया, तो ए प्लस बी के वर्क को एक दिन का जो वर्क है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आंसर आ गया 7/15, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट इज, अब जो काम बचा हुआ है उसका फ्रैक्शन निकालो, तो देयर फॉर द रिमेनिंग वर्क इज, वर्क को अपन ने 1 मान लिया, वो 4 दिन में कितना काम हो गया 7/15, तो बचा है कितना 1 - 7/15, बोले तो 8/15 वर्क बचा हुआ है। तो हमारा आंसर इस तरह से ऑप्शन डी आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे और अपने दोस्तों में वायरल कर दे, ताकि मैं आपको और अच्छे तरीके से पढ़ा सकूँ। थैंक यू वेरी मच।